हाय क्लास 8, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज की ये जो वीडियो है ये EM मैथमेटिक्स द्वारा प्रेजेंटेड क्लास 8 का पहला पार्ट टेस्ट है ऑन द टॉपिक रैशनल नंबर्स, दैट इज चैप्टर 1 ऑफ क्लास 8 मैथ्स NCERT टेक्स्ट बुक। तो कुछ बच्चों के एट प्रेजेंट टाइम जो हैं एग्ज़ाम्स अप्रोच कर रहे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे कैसे होंगे वी डोंट नो। तो उनके लिए एक रिवीजन है रैशनल नंबर्स के ऊपर, वो अपनी रिवीजन को चेक कर सकते हैं थ्रू दिस टेस्ट। ये टेस्ट ऑब्वियसली एक रिटन टेस्ट होगा जो आप खुद अपनी सच्चाई से दोगे। अगर आप चीटिंग करते हो तो आपका लॉस, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, ये आपके लिए है, मेरा इसमें कुछ भी लॉस नहीं होने वाला है। तो आपके ऊपर है, आपने अपनी प्रेपरेशन को अगर सच में बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ चेक करना है तो इस टेस्ट को एकदम 1.5 आवर बैठ कर विदाउट एनी चीटिंग अपनी कॉपी पेन पर अच्छे तरीके से, जैसे आप एग्ज़ाम को लिखते हो वैसे आपको लिखना है। और हेंस इस टेस्ट का जो आंसर होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करने वाले हैं। इस टेस्ट में दोनों क्वेश्चंस होंगे, थ्योरेटिकल और जो आपके सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो जिस जिस की तैयारी नहीं है वो तैयारी करके टेस्ट दे, पहले टेस्ट के क्वेश्चंस देख लेना और बाद में आंसर करना, कुछ भी मज़ा इसमें आने वाला नहीं है। तो दिस इज़ पार्ट टेस्ट 01 विच इज़ द टॉपिक रैशनल नंबर, डेटेड 11th June 2020, डे थर्सडे। द टाइम लिमिट फॉर द टेस्ट इज़ 1.5 आवर्स एंड द टेस्ट इज़ ऑफ 30 मार्क्स ओनली। So first of all, let me tell you some general instructions. All the questions are compulsory. There is not an option between any question. जो capital X है हर जगह इस test में, उसका मतलब है multiplication का sign. हमेशा जो भी property आपने जहाँ पे use की है उसको mention करना है, नहीं तो आपके marks कट सकते हैं। Write neatly with no cuttings. And if you score 28 or more, then you get yourself a Kit Kat. You ask your parents to get you a Kit Kat just because you have scored 28, but not through cheating. It must be fair. So this is the questions. I am showing it before you. I'll be showing it. It could be a very short video. I'll be showing it the questions. Question number 1, define rational numbers. Question number 2, P divided by 0 equals to. Write the additive and multiplicative identity for rational numbers. Write any one property for rational numbers. Write the negative of a number minus whole bracket minus 6/11. Write reciprocal of minus 4 upon minus 5. Write rational numbers that are equal to their reciprocals. इन सब के marks भी साथ साथ में given हैं। अगर कोई test में गलती है तो आप उसे comment section में बता के सही करवा सकते हैं। So this is the test before you. I hope you will do it with your full preparation and without cheating. So this is the test in front of you. Questions मैंने आपको शो कर दिए हैं, पॉज कर करके आप वीडियो को क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यस वी हैव ओनली 15 क्वेश्चंस और हाँ ये टेस्ट मैं ज़रूर कहूँगा इनफ नहीं है, बट हाँ जितना भी है आपको सारा आना चाहिए। एक और टेस्ट इसके ऊपर लाएंगे और फिर नेक्स्ट टेस्ट जो होगा हम एक्सपोनेंट्स के ऊपर लाने वाले हैं। सो यस गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, ऑल ब्लैंक। आई होप आपको ये टेस्ट के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आपको ये अप्रोच यूट्यूब पे पहली बार ऐसा टेस्ट की मज़ा आया होगा। दैट्स ऑल वी हैव फॉर अस टुडे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये टेस्ट का PDF फॉर्म जो है वो भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप ऐसे स्क्रीन पे पॉज कर करके नहीं करना चाहते टेस्ट को, तो आप इसका PDF फॉर्म ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं। उसको ओपन करके आप अपना टेस्ट एकदम कायदे अनुसार दे सकते हैं, वरना सारे क्वेश्चंस वैसे एक बार ही मैंने इसमें शो कर दिए हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।